और बन कितने मिनट में जाती है, तो एक मिनट में बना देते हैं अपन। भाई साहब ये चेक कर लो। हाँ जी दोस्तों, एक और मसालेदार चटाकेदार वीडियो के साथ हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ के एक ऐसे कोने में भाई साहब, जहां पर चाचा जी बनाते बड़ी यूनिक रेसिपी फिश की, वो भी। हाँ जी नमस्कार चाचा जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। ओके, ये फिश है कि चिकन है? फिश फ्राई। फिश फ्राई, ओ भाई साहब, वो भी तवे वाली? तवे वाली। तो ये रेसिपी सीखी कहाँ से बनाने आपने? ये कलकत्ते से सीख के आए थे जी। कोलकाता से सीख के आए थे? हाँ। ओ भाई साहब, इसके ऊपर टोपी बना दी इसको? हाँ जी। ये टोपी बनाना कहाँ से सीखे? बस टोपी बनानी पड़ती। ये भी कोलकाता की है? हाँ जी। तो कोलकाता पसंद नहीं आया आपको? बस यहाँ अपना घर मकान था तो यहीं शिफ्ट हो गए। यहीं शिफ्ट हो गए। हाँ जी। तो कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया जी, कितने सालों से बनाकर खिला रहे हैं आप ये टोकरी वाली मच्छी? ये 35 साल हो गया सर। 35 साल हो गए? हाँ जी। तो 36-37 साल के तो मुझे आप लगते हैं। आपकी एज कितनी है? मेरी 53+ चल रही है। 53 साल के हो भाई साहब, लगते नहीं हो। सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। शुभ नाम मेरा वैसे विक्रम है, गुप्ता। विक्रम गुप्ता। हाँ जी। वैसे मुच्छड़ के नाम से प्रसिद्ध यहाँ लोग रखते हैं। मुच्छड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं आप? हाँ जी। ओ भाई साहब, बड़ी बड़ी मुच्छे इस करके? हाँ जी सर। तो ये आपने ये रेसिपी को अभी पहले टोकरी बनाई फिर उतार दी, हाँ कैसे रहता है इसका मामला? बस तेल में फ्राई करते हैं इसको? हाँ। और मसाले जायके कौन से रहते हैं? मसाले सब वैरायटी के पड़ते हैं, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन। अच्छा। और सारी आइटमें पड़ती है जी, तेल मसाल का डालते हैं फ्रेश। अच्छा जी, क्या बात है। हाँ जी। तो ये मच्छी कौन सी यूज़ करते हैं जी? ये सिंगाड़ा मच्छी है जी। सिंगाड़ा। और बन कितने मिनट में जाती है, तो एक मिनट में बना देते हैं अपन? हाँ, बस 2-4 मिनट के अंदर अंदर। चाचा जी, मेरे को लग रहा है 1.5 मिनट में आप बन के रेडी होगी आपकी ये। हाँ जी सर। क्या बात है। तो इसका नाम क्या रहता है रेसिपी का? ये फिश फ्राई है जी। फिश फ्राई है ना? हाँ जी। बंगाली स्टाइल? बंगाली। कोलकाता स्टाइल ना? कोलकाता। क्या बात है भाई साहब। तो प्राइस क्या रहता है जी इसका? इसका प्राइस है जी 60-80 सौ। 60-80 सौ। हाँ। 60 वाली कौन सी है, 100 वाली, 80 वाली कौन सी? 60 वाली मीडियम फीस है जी। जी। और 80 वाले बड़े फीस है, बोनलेस 100 रुपए पाइया। अच्छा जी। अच्छा। बोनलेस 100 रुपए पाइया है। अच्छा, तो एक पीस लेना हो तो? एक पीस 20 रुपए का भी देंगे। एक पीस 20 रुपए का बिकेगा। कौन सी फिश रहती है ये? सिंगाड़ा। सिंगाड़ा। इसके अलावा भी कोई और मच्छी रखते हैं आप? इसके अलावा भी ले आ लेते हैं, कोई कस्टमर बना भी देता हूँ मैं। तो लोग खा लेते हैं सावन में दबा कर? हाँ हाँ, दब के खावा जी। अच्छा जी। तो आप अपनी मुच्छो को ताव देते रहते, इस करके आपका नाम मुच्छड़ चाचा जी रख दिया। दिखाना एक बारी ताव देकर दिखा दो। क्या बात है, तभी तो मजा आएगा, स्वाद आएगा। ये भाई साहब ये चेक कर लो, क्या बात है। तो मतलब चंडीगढ़ में पिछले 35 साल से दीवानगी फैला रहे हैं आप? हाँ जी सर। क्या बात है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को आती है रेसिपी बनानी, और किसी को आती है यहाँ पर चंडीगढ़ में? अब 26 ट्रांसपोर्ट से काम चालू किया था, इधर मकान मिल गया ना तनास में, फिर इधर शिफ्ट हो गए जी। अच्छा जी। तो आप रोज आते हैं यहाँ पर? हाँ पर डे जी रोज आते हैं। और ये ऐसा जायका तो हमने पहली बार देखा जी। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम यूपी के हैं जी। यूपी के कौन से शहर से, जिला? हम अयोध्या से। अयोध्या से हैं? क्या बात है, अयोध्या से हैं। और ये जबरदस्त स्ट्रीट फूड खिला रहे हैं। और जो साइडों में अंकल जी ये रखा हुआ, ये भी फिश ही है जी? हाँ सब फिश फ्राई। तो बिक जाती है सर भाई, बनाई रहे अभी तो ग्राहक तो आए नहीं कोई? बस सब टाइम हो गया, अभी झटका लग जाएगा जी 10 मिनट। अभी देखना मारो मारी लगी, भीड़ लगी, दबा गया ना? हाँ जी। भाई साहब ये तवा फिश बनाते हैं, वो भी तवे को टोपी बनाकर, फिश को टोपी बना देते हैं भाई साहब। चाचा जी इतना कलाकार, इतना जबरदस्त मसाला बनाते हैं, खिलाते हैं लोगों को ना, कि नॉन वेज के लोग इतने रसिया और रखे, इतने दीवाने रखे, तो नेक्स्ट लेवल की दीवानगी लगी रहती है। और भीड़ देख सकते हो पीछे, और अभी तो स्टार्ट है भाई साहब। तो नवा नवा कंटेंट ऐसा जायका दिखाते रहेंगे, बने रहो, देखते रहो HNV स्ट्रीट फूड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और चाचा जी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है जी, थैंक यू सो मच। किसने खाने के लिए आना हो ये बता दो, लोकेशन एड्रेस क्या पड़ती है? ये तो ना 4 मंजिला फ्लैट है जी। और जहाँ पर महक आ रही होगी बहुत ही जबरदस्त, वो समझ लेना मुच्छड़ वाले चाचा जी की शॉप है ना? हाँ जी। थैंक यू जी।